नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन गीको ऐप के बारे में। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा वहां से बहुत अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं, साथ में जो भी आपको लॉसेस हैं उसको आप मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लें, क्योंकि कॉइन गीको ऐप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है को अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी गाइडेंस आपको प्रॉपर लेनी चाहिए और इसको प्रॉपर समझना चाहिए कि कैसे ये काम करता है, तभी आप इन्वेस्ट करेंगे उधर, तब वो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्त, अब हम समझते हैं कि कैसे एप्लीकेशन काम करता है। और अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्त, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉइन गीको ऐप को हमें इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे मेरी पहले से आईडी बनी हुई है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम में आए होंगे तो गूगल की आईडी से या फेसबुक की आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब एप्लीकेशन पर आप देखें कुछ इस तरह के मतलब करेंसीज का ऑप्शन रहता है पहले, ओके। उसके बाद ऊपर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है, फिर कैटेगरी, फिर एक्सचेंजेस का ऑप्शन है, ओके। और इसके आगे भी कुछ ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है और कैसे इसका हमें बेनिफिट लेना है। सबसे पहले जब आप क्रिप्टो करेंसी के ऑप्शन पे आएंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे कौन सा कॉइन बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको, कौन सा कॉइन बहुत ज़्यादा लॉस दे रहा है, वो सर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले सेट करते हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे नंबर वन पे जो कॉइन है वो BTC यानी कि बिटकॉइन है, उसके बाद इथेरियम है, ADA है, BNB, USDT, XRP, तो इस तरीके से ये सारी लिस्ट बनी हुई है। इसमें से अब आपको चूज़ करना है कि आप कौन से कॉइन पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। एग्जांपल के लिए अगर हम चाहते हैं कि बिटकॉइन पे पैसा इन्वेस्ट करना, तो बिटकॉइन को आप यहाँ पे ओपन करें। यहाँ पे करंट प्राइस आपको दिखा रहा है जो इंडियन रुपीज़ में मैंने सेट किया हुआ है। आप भी यहाँ पे करेंसी सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो डॉलर में देख सकते हैं इनको, या फिर इंडियन रुपीज़ में भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि बिटकॉइन का करंट प्राइस 34,59,000 या आप समझ लें 60,000 के अप्रोक्स है, ओके। अब यहाँ पे देखें कि कुछ देर पहले इसका प्राइस क्या था, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यानी कि 24 आवर का ये सारा चार्ट हमें दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है कि कब उसके पहले क्या प्राइस था और अब कितना डाउन हुआ है प्राइस, ओके। साथ में आप चाहें तो यहाँ पे देखिए 7 डेज़ का भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि 7 डेज़ में जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 27 अगस्त को प्राइस इसका डाउन हुआ था और इस समय जो प्राइस डाउन हुआ है वो उससे भी ज़्यादा डाउन हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे अभी परचेज़ करते हैं तो उसके लिए सही टाइम है, क्योंकि आगे अगर हो सकता है कि मतलब प्राइस जब भी डाउन हुआ है तो उसके बाद इंक्रीज़ भी हुआ है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे और भी चाहें तो आप 1 मंथ का डाटा देख लें यहाँ पे, तो फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 28 लाख तक भी उसका प्राइस डाउन हो चुका है। साथ में आप अगर 3 मंथ का प्राइस यहाँ पे सेट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका प्राइस तो और भी काफ़ी ज़्यादा डाउन गया हुआ था, बट उस टाइम आपने यहाँ पे अवेयर नहीं थे आप और परचेज़ नहीं किए। तो देखिए, ये एप्लीकेशन जो है ना कॉइन गीको दोस्त, ये इसी काम आता है। मतलब ये कि किसी भी कॉइन में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस कॉइन को सेलेक्ट करें, यहाँ पे उस कॉइन का आप सारा परफॉर्मेंस देखें कि कब कॉइन का प्राइस कितना था, किस लेवल तक गया हुआ था और उसके बाद अभी किस तरह का इन्वायरमेंट है। मतलब मेरे कहने का ये है कि देखिए, अगर प्राइस इस समय बहुत ज़्यादा हाईली है तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना चाहिए कि कब इसका प्राइस डाउन होता है, और अगर डाउन है प्राइस तो आप जल्दी से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने 1 ईयर का प्लान देखा तो दिखा रहा है कि कभी इसकी वैल्यू यहाँ पे आप चेक करके देख लें कि 6-7 लाख की भी थी स्टार्टिंग में, ओके। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर इसका प्राइस आप देखें कि 40-45-50 लाख के अप्रोक्स जा चुका है, ओके। तो इतना ज़्यादा हमें रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि 6 लाख की चीज़ की वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर ही 40-50 लाख भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है दोस्त कि यहाँ पे रिटर्न भी होता है, लेकिन यहाँ पे हाईली रिस्क भी हमें देखने को मिलता है। अब जो हमें दिखाना है इस एप्लीकेशन में कि यहाँ पर आके और क्या है कि मतलब जो भी कॉइन आप चाहते हैं ना कि जिसका परफॉर्मेंस आप देखना चाहते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस कॉइन को ओपन करके आप यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए देखिए, पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो ऊपर प्लस का ऑप्शन दिखा रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एक बार। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वो कॉइन सेलेक्ट करके यहाँ पे मतलब सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ पे बिटकॉइन ही अगर सर्च करना है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके। और थोड़ा सा हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने ला देगा बिटकॉइन को।
जैसे सबसे ऊपर आ गया, और जैसे यहाँ पे स्टार में मैंने मार्क किया हुआ है पहले से, आपको यहाँ पे स्टार में मार्क कर देना है। जैसे आप इसको स्टार पे मार्क करोगे ना, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे जो हमने पोर्टफोलियो क्रिएट किया वहाँ पे ये कॉइन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यों हमें कॉइन को लाना है वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट वाले ऑप्शन में ना बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। ये देखिए अनलिमिटेड यहाँ पे कॉइन्स हैं, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा ढूंढते रह जाओगे, आज हो सकता है कि आपने किसी कॉइन को देखा, इन्वेस्ट करने के बाद वो कॉइन आपको यहाँ पे मिला ही ना, आपको पता ही ना चले कि क्या आपने इन्वेस्ट करना है। तो इस वजह से जिस भी कॉइन पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जिस पे नज़र रखना चाहते हो, उसको पहले आप पोर्टफोलियो में ऐड करो, पर वहाँ पर आने के बाद कॉइन पर पूरा आप नज़र रखो, ताकि आपको पता रहे कि क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, ईजिली ये पता चल जाए, और उसके बाद आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सको। इसके बाद देखिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन हो गया, फिर यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है, यानी कि कोई भी कॉइन यहाँ पे नहीं मिल रहा, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, उसको सामने एक ही बार ला सकते हो। एक्सप्लोर में आप आके देखोगे तो यहाँ पे देखिए सारे न्यूज़ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। जी हाँ दोस्त, क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या अपडेट आ रहा है, क्या न्यूज़ आ रहा है, वो सारा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ है, इसके बारे में जो बग्स हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट्स हैं, न्यूज़ लेटर्स हैं, ये सारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ की ट्रेंड आने वाली है, कौन सा कॉइन ऊपर जाने वाला है, कौन सा डाउन जाने वाला है, और मार्केट क्या कह रहा है इस समय कॉइन को लेके। ये सारा कुछ आप पहले से यहाँ पे मतलब पढ़ के समझ सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्मार्ट तरीके से। इसके अलावा सबसे लास्ट में यहाँ पे अपने प्रोफाइल का डिटेल रहता है, जहाँ पे आप ऊपर अपना अकाउंट डिटेल देख सकते हैं, और भी कुछ सेटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, कैलकुलेटर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि करेंसी हमें सेट करना है, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहाँ पे ही आके आपको कॉइन भी सेलेक्ट कर लेना है कि आप इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये चार्ट देखना चाहते हैं, या फिर जैसे मैं आप यहाँ पे देखिए कि सेकेंडरी में मैंने डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है, और पहले ऑप्शन में हमने यहाँ पर इंडियन प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है, ओके, इंडियन रुपीज़। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे सेकेंडरी में यूएसडी दिखेगा, बट पहले मुझे मेजरली इंडियन रुपीज़ में दिखेगा, और ये मुझे इजी लगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये सेट किया। आप चाहें तो यहाँ पे डॉलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं। अब दोस्त, आज की वीडियो में हमने समझा कि कॉइन गीको ऐप पे हमें आईडी क्रिएट करके यहाँ पे करेंसी कैसे सेट करना है, यहाँ पे हमें पोर्टफोलियो में कॉइन को ऐड कैसे करना है, और वहाँ पे कॉइन का परफॉर्मेंस हमें कैसे देखना है, जब से कॉइन क्रिएट हुआ है यानी मैक्सिमम लाइफ से लेके आप चाहें तो उसका एक घंटे का या 24 घंटे का जितने देर का रिकॉर्ड आप चाहें यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर इस वीडियो में अभी तक कोई भी डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर पूछें, उसका भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज़ आगे भी लेकर आने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय।